मैं हूं अभी तो सैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। धरना प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की पूर्व मंत्री रहीम खान ने पिछले कई दिनों से बीदर बल्दिया दफ्तर में काम करने वाले डी ग्रुप डेली विजिस नौकर डीसी दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें परमानेंट किया जाए, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आज बीदर कांग्रेस MLA और पूर्व मंत्री रहीम खान मौके पर पहुंचकर इन्हें दिलासा दिया कि इनकी सभी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर जल्द हल किया जाएगा। अगर सरकार जल्द इनकी मदद नहीं कर पाई तो इन सभी कर्मचारियों के साथ हम भी रास्ते पर उतरकर प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव डालने की चेतावनी दी MLA रहीम खान ने। उदयपुर घटना पर रेणुकाचार्य की ओर से प्रदर्शनकारियों को घर में की गई दावत। राजस्थान के उदयपुर की घटना पर आज दावणगेरे जिला होन्नल्ली में BJP विधायक रेणुकाचार्य की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। साथ में सभी इन किराए के लोगों के लिए अपने घर में रेणुकाचार्य ने पुलाव बनाकर दावत दी, जिस पर कई सवाल उठे हैं। क्या सच में ये लोग खुद से इस प्रदर्शन में हिस्सा लिए थे या इन्हें खिला पिलाकर किराए पर लेकर झूठा नाटक तो नहीं किया गया? रेणुकाचार्य ने जो कई सालों से यही तो करते आए हैं। बस डिपो कंट्रोलर और लोगों के बीच झड़प। बेलगाम जिला रामदुर्ग के पुराने बस स्टैंड में बसेस की जानकारी के चलते कंट्रोलर और पैसेंजर के बीच बातों बातों में बात हाथापाई पर उतर आई। इस घटना के बाद बाकी कर्मचारियों ने इस झगड़े को निपटाकर हमलावरों को रूम में बंद करके पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिस पर रामदुर्ग पुलिस ने हमलावरों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया। ज्वेलरी व्यापारियों को पुलिस इंस्पेक्टर ने दी गालियां। प्रोटेस्ट पर उतरे व्यापारी। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में रहे तिलक नगर पुलिस थाना इंस्पेक्टर परमेश्वर ने रवि पर चोरी के जेवरात खरीदने का आरोप लगाकर गाली देते हुए घसीटकर वैन में ले गए, तो सभी व्यापारियों ने पुलिस के इस बर्ताव से पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन करने लगे। सीनियर अधिकारियों ने इन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। इंस्पेक्टर का गलत बर्ताव वाला वीडियो CCTV में हुआ है कैद। तहसीलदार के ट्रांसफर के चलते अधिकारियों ने मनाई पार्टी। मंडिया जिला पांडवपुर तहसीलदार प्रमोद पाटिल का ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर किया गया। इनके विदाई के प्रोग्राम के लिए बाकी अधिकारियों ने मिनी विधान सौधा को शादी महल की तरह सजाकर केक काटकर फटाके फोड़कर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करके बाकी अधिकारियों ने मनमानी की है, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने भी इनका साथ दिया। अधिकारी की विदाई पर कौन इतनी बड़ी पार्टी मनाता है? CM बोम्माई अपना अधिकार संभालते ही आदेश दिया था कि सरकारी अधिकारी किसी भी तरह के फंक्शन या पार्टी में ऑन ड्यूटी नहीं कर सकते। यहां तो सरकारी दफ्तर में ही आलीशान पार्टी करके जश्न मनाया गया। क्या इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी या सिर्फ आम गरीब जनता पर ही अपना दबदबा दिखाएगी सरकार? ACP ऑफिस में राउडी शीटर्स की ली गई परेड। गुलबर्गा शहर के A Division में आने वाले 4 पुलिस स्टेशन लिमिटेड के 115 राउडी शीटर्स को आज DCP अदरु श्रीनिवासलु के ओर से ACP ऑफिस में परेड ली गई। साथ में सभी राउडी शीटर्स को सख्त चेतावनी दी कि दोबारा मर्डर, लूटमार, चोरी, डकैती, डराना, धमकाना और हफ्ता हुसूली जैसे मामलों में पाए गए तो गुंडा एक्ट मामला दर्ज करके सरहद पार किए जाओगे, कहा DCP अदूरु श्रीनिवासलु ने। बाइक स्टंट से हो रही है जनता को समस्या। बेंगलुरु शहर में कुछ लफंगों की ओर से सोशल मीडिया में नाम कमाने के लिए दिन रात रोड्स पर बाइक स्टंट करके बाकी वाहन सवारों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। ये वाहन पुलिस की ओर से सोशल मीडिया सेल बनाने पर भी कोई काम नहीं हो पाया। स्थानीय जनता पुलिस विभाग से गुहार लगा रही है कि इस खतरनाक स्टंट पर कार्रवाई करें, जिससे कई लोगों की जान भी जा चुकी है और जा भी सकती है।
अचानक आग लगने से हुआ बड़ा नुकसान। बागलकोट जिला जमखंडी में बसवेश्वर सर्कल बीजापुर जमखंडी रोड पर आज सुबह सवेरे अचानक एक साथ चार दुकानें आग की चपेट में आई हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल शॉप, गैरेज, होटल शामिल हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग तो बुझाया, लेकिन इस घटना में पूरे 1 करोड़ तक का नुकसान होने की बात पता चली है। जमखंडी पुलिस ने मामला दर्ज करके आग लगने की वजह को ढूंढने में लगी। भारी बारिश के बीच सैलानियों की उमड़ी भीड़, बना ट्रैफिक जाम। चिकमंगलुरु जिला मुलायनगिरी पहाड़ पर भारी बारिश होने पर भी जान की परवाह किए बिना ही कुदरत की खूबसूरती को देखने के लिए आसपास के राज्य से सैलानी आते ही जा रहे हैं। मुलायनगिरी पहाड़ पर वाहनों की संख्या ज्यादा होने से ट्रैफिक जाम नजर आया। कई घंटों बाद पुलिस ने आकर इस ट्रैफिक जाम को हटाया तो तब जाकर अपने अपने मंजिल की ओर चले सैलानी। गंदा पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार। रायचूर जिला पानी की समस्या हल नहीं होती नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जिले में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार और मौतें भी हुई थी। आज फिर से इसी जिले के जयपुर गांव में तुंगभद्रा नदी का पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दाखिल होकर इलाज करवा रहे हैं। खबर मिलते ही गांव में पहुंचे डीसी सुरेंद्र बाबू ने पानी की जांच का आदेश देकर तुंगभद्रा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के दौरे की तरफ चल पड़े। अचानक सिद्धरामैया के घर पहुंचे सीएम इब्राहिम। राज्य के सियासत में अपनी भूमिका निभाने वाले दो बड़े चेहरे सिद्धरामैया और सीएम इब्राहिम अलग अलग पार्टी में रहकर एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ते ही रहते हैं। आज जेडीएस राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम पूर्व सीएम सिद्धरामैया के निवास पहुंचे हैं। आखिर क्या बात हो गई कि अचानक इब्राहिम को सिद्धरामैया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? क्या जेडीएस में इन्हें घुटन सी महसूस हो रही है? इस तरह की कई खबरें सुबह से मीडिया पर दिखाई जा रही थी, लेकिन दर हकीकत इससे सवाल उठना तो ज़रूरी था इन नज़ारों को लेकर। लेकिन हकीकत तो ये है कि अपनी बेटी की शादी का आमंत्रण देने पहुंचे थे अपने दोस्त सिद्धरामैया को सीएम इब्राहिम। पीएसआई स्कैम में एडीजीपी की गिरफ्तारी। राज्य में पहली बार कानून का फर्ज निभाते हुए सीआईडी ने पिछले कुछ दिन पहले हुए पीएसआई एग्जाम्स घोटाले के चलते पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अहदे पर रहे अमृत पॉल की गिरफ्तारी की गई है। आज तक इस तरह बड़े पुलिस अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जो पहली बार हुआ है राज्य के इतिहास में। इन पर आरोप है कि सिलेक्शन कमेटी के अहदे के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया था। इनके अगुवाई में ही सभी पीएसआई एग्जाम स्कैम और इन्हीं के ऑफिस में ओएमआर शीट में करेक्शन किए जाने का बयान होम मिनिस्टर अरग ज्ञानेंद्र ने दिया है, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसानों को ठगने वाले गुजराती व्यापारियों की गिरफ्तारी। बीजापुर जिला जो अंगूर की पैदावार और व्यापार से पूरी दुनिया में मशहूर है, इसी का फायदा उठाकर गुजरात के व्यापारी सोहनलाल पटेल, नील पटेल, रोनी कुमार पटेल, भरत भाई पटेल, सचिन, सुनील जयेश और भरत की ओर से जाकिर हाजीलाल बागवान से 21 लाख कीमत के 11 टन वजन वाले सूखे अंगूर लेकर बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की बात कही थी इन व्यापारियों ने। इस तरह और भी कई किसानों से सूखे अंगूर खरीदकर फरार हो गए थे गुजराती व्यापारी। एपीएमसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होते ही बीजापुर जिला एसपी एचडी आनंद कुमार ने टीम बनाकर इनके एक साथी कमल कुमार सोहन लाल की गिरफ्तारी करके 8 लॉरी 2 करोड़ 20 लाख कीमत के 117 टन सूखे अंगूर जब्त किए हैं पुलिस ने। साथ ही किसानों को सलाह दी एसपी एचडी आनंद कुमार ने कि किसी भी तरह व्यापार करने से पहले उनकी जानकारी को टटोल कर व्यापार करे किसान। किसानों की मदद करने पर एसपी एचडी आनंद कुमार का किसानों ने सम्मान किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।